प्रश्न लेके आई है, इसके प्रश्नों पर ही बात कर लेते हैं। सबके इंटरेस्ट के होंगे। पहला प्रश्न ये है कि जानवर के कर्म बंद नहीं है क्या? वो मुसीबतों का सामना क्यों करते हैं? जानवरों को खाना पाप है, जबकि हमारे पास धरती से उगे अन्न पदार्थ हैं। इसमें दो प्रश्न आ गए, एक तो ये कि जानवर का कर्म बंद है कि नहीं, और दूसरा ये कि जानवर को खाना पाप है कि नहीं है। आवाज़ आ रही है पीछे तक? तो जानवर के कर्म बंध नहीं होते, इसलिए कि जानवर स्वेच्छा से कुछ कर ही नहीं सकता। वो जो कुछ करता है या मनुष्य द्वारा कराए गए कर्म करता है या प्रकृति से कराए गए कर्म करता है, अपने से कोई कर्म नहीं करता। गाय भैंस है, आपने अपने घर में बांध ली, खाना डाल दिया तो ठीक है, पानी पिला दिया तो ठीक है, नहीं पिलाया तो ठीक है, वो रंभा के रह जाएगी। अपनी प्यास का, अपनी भूख का परिचय तो दे देगी वो, लेकिन उसके बस में नहीं है कि वो कहीं से अपना खाना ढूंढ ले या पानी ढूंढ ले। तो मनुष्य के कर्म जो भी करता है, कराता है, उस अनुसार जहाँ बांध दिया वहाँ बंध गई। दूध परमात्मा हर माँ को अपने बच्चे के लिए देता है, उसका दूध दोह लेते हैं, हम पी लेते हैं, ये भी प्रकृति का नियम है। क्योंकि कोई भी गाय भैंस का बच्चा इतना दूध नहीं पी सकता जितना प्रकृति उसके शरीर में पैदा करती है। ऐसी ऐसी गायें हैं, जर्सी गाय 20-20 किलो दूध दे रही हैं, अब उसका बछड़ा 20 किलो दूध पी ले तो बीमार पड़ जाएगा। अब वो कष्ट क्यों भोगते हैं? इसलिए कि प्रकृति ने आत्मा को मानव शरीर देने से पहले हर प्रकार के कष्ट से और हर प्रकार के सुख से निकालना है। ऋषियों ने 84 लाख योनियां कहा है। मैं कई बार कहता हूँ गलती लग गई होगी गिनती में, 84,000 होंगी, 8400 होंगी, सिर्फ 84 भी हों, सारी सफ़र गलती में लग गए तो भी कौन सा काम है ये सफ़र, ये यात्रा इतनी लंबी 84 जन्मों की? 84 लाख तो बहुत ही बड़ा है। उसमें क्या होता है कि हर आत्मा कष्ट और सुख, दुख और सुख दोनों को भोगती हुई आगे बढ़ती है। एक कुत्ते का बच्चा है, पैदा होते ही 1 करोड़पति के घर में चला गया, वो औलाद से बेटर ट्रीटमेंट उसको मिला। अपने बच्चों को दूध दिया नहीं दिया, कुत्ते को ज़रूर देना है। बच्चे के रात को रज़ाई उतर गई, कंबल उतर गया, कोई नहीं देखता, कुत्ते का नहीं उतरना चाहिए। अब वो कुत्ता जो सुख भोग रहा है, वो कर्म तो मनुष्य कर रहा है उसका, लेकिन प्रकृति जो उससे कर्म करा रही है वही अगले जन्म में कहीं लंगड़ाता हुआ एक टांग टूटी हुई के साथ पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार सब कर्मों में से निकलते हुए फिर मानव शरीर पे पहुंचता है, तब कर्म बंद शुरू हो जाता है, क्योंकि मानव के हाथ में कर्म है। अब दूसरा प्रश्न, हम जानवर क्यों खाते हैं? इसलिए कि प्रकृति ने नियम ही इस प्रकार के बना रखे हैं कि एक दूसरे को खा के ही प्रकृति चलती है। अगर छिपकली कीड़े मकौड़े नहीं खाए और तो कुछ खाती नहीं, वो छिपकली का भोजन कीड़े मकौड़े हैं, अगर वो नहीं खाए
तो कितने कीड़े मकोड़े हो जाएंगे अनुमान लगाओ। मछली, समुद्र में जितनी मछलियाँ हैं उनमें से करोड़ों मछलियाँ प्रतिदिन पूरी दुनिया में खाई जाती हैं। अब हम बंद कर दें, सारी दुनिया खाना बंद कर दे, तो समुद्र में पानी नहीं रहेगा, मछलियाँ ही मछलियाँ हो जाएंगी। युगों युगों से लोग मछली खाते आ रहे हैं, तो किसी समुद्र में मछली कम हुई क्या? ये प्रकृति ने बनाया ही इसलिए है। रहा प्रश्न के हमारे यहाँ धरती बहुत कुछ पैदा करती है तो जानवर क्यों खाया जाए? बंगाल के ब्राह्मण से देखा नहीं गया कि लोग जाते हैं समुद्र में से यूं हाथ डाल के मछली पकड़ के ले आते हैं, पकाते हैं, रोटी खा लेते हैं। तो हम मांसाहार के चक्कर में, ये मुफ्त की चीज़ है, सब्ज़ी है, ये मुफ्त की सब्ज़ी हमें नहीं मिल रही, तो बंगाल के ब्राह्मणों ने अनाउंस कर दिया कि मछली जलतोरी होती है, वेजिटेरियन होती है। तो बंगाल का ब्राह्मण मछली खाता है और कोई मीट नहीं खाता। तो ये जो कुछ भी खाना पीना है ये हमारी भौगोलिक स्थिति के अनुसार बनता है। तुम 5000 फुट से ऊपर चले जाओ पहाड़ में, किलोंग से पार हो जाओ, जंस्कार वैली निकल लो, लद्दाख में चले जाओ, छोटे छोटे गांव हैं, 10-10 घरों के, 5-5 घरों के, उगता कुछ नहीं वहाँ, नीचे से जो सामान जाता है वो खरीदने की शक्ति नहीं है उनके पास, पैसा नहीं है, तो क्या करें? जानवर मारते हैं, खा लेते हैं। और हायर रीचेस के जो गांव हैं उनको, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, कश्मीर में, उनको सरकार ने आज्ञा दे रखी है कि अपने गांव में जिस चीज़ से चाहो शराब बना लो और पी लो, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अब शादी है गांव में तो क्या करेंगे? वो एक जानवर काटा, चावल कहीं से मंगाए, एक देग चावल की बनाई, एक देग मीट की बनाई, सारे गांव ने रोटी खा ली, अपनी शराब निकाल ली, सारे गांव ने शराब पी ली। अब शराब पीने के लिए बर्तन भी नहीं है। मान लो शादी में 100 लोग आए हैं, अब 100 गिलास नहीं है गांव में, 100 प्याले नहीं, 100 कप नहीं, तो क्या करें? और ऐसे बड़े बर्तन नहीं जिनमें शराब ले जाके गिलासों में डाली जा सके। तो क्या करते हैं वो, हर गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर में एक भगवान की मूर्ति है, वो मूर्ति उसके घर चली जाती है जिसके घर शादी है, मंदिर खाली हो जाता है, मूर्ति शिफ्ट हो जाती है। और मंदिर में एक कैटल खरीदी हुई है उन्होंने, पीतल की, बड़ी सुंदर, वो कैटल शराब से भर लेते हैं और दोनों हाथों में एक ये जाम बन गया, इसमें डाल देते हैं, ये पी लिया, 100 आदमियों को बांटते बांटते जब तक कैटल वापस आएगी तब तक 20 मिनट आधा घंटा निकल चुका होगा, तो धीरे धीरे 3-4 पैग 5 पैग जो है वो लोग पी लेते हैं, इसमें कोई पाप नहीं। जानवर खाना न खाना इसमें कोई पाप नहीं है, केवल तुम्हारे शरीर पर निर्भर करता है। जो चीज़ तुम्हारे शरीर को सूट नहीं करती है, जो चीज़ तुम्हारे शरीर में और तुम्हारे ध्यान में बाधा बनती है, उसको रोकना है। अगर चावल खाकर नींद आ जाती है, ध्यान नहीं होता है, तो चावल छोड़ दो या आगे पीछे कर लो कि खाएंगे चावल ध्यान करने के बाद। बाधा नहीं बननी चाहिए, तुम्हारी प्राणवायु और ऊर्जा दोनों में जो चीज़ व्यवधान पैदा करती है वो पाप है, बाकी कोई पाप नहीं है। दूसरा प्रश्न है, आत्मा क्यों दूर हुई ब्रह्म से? और ब्रह्म का अंश है आत्मा, तो फिर क्या ब्रह्म क्यों तरसता है आत्मा से मिलने के लिए, क्यों दूर हुई? ये ऐसा ही प्रश्न है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा? पहले मुर्गी आई तो अंडा देगी, और पहले अंडा आया तो उसमें से मुर्गी निकलेगी। तो ये अनुत्तरित प्रश्न, अनआंसर्ड क्वेश्चन है।
जो हमें शास्त्र कहते हैं, और शास्त्र केवल भारत के नहीं, जो दुनिया भर के शास्त्र कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ब्रह्म ने अपनी छवि देखने के लिए दुनिया बनाई थी, अपनी ही ऊर्जा शक्ति को अपने से बाहर खड़ा करके कहा हो जा। संस्कृत में कहते हैं ईश्वर ने कहा भू, भू का मतलब है हो जा। कुरान कहते हैं उसने कहा कुन, अरबी में कुन का मतलब है हो जा। बाइबल कहती है बी, बी का मतलब भी हो जा। क्या होना है ये ब्रह्म जानता था, क्या बना दिया, पशु बनाया, पक्षी बनाया, पहाड़ बनाया, नदी बनाई, मनुष्य बनाया, स्त्री बनाई, ये ईश्वर जानता है। लेकिन जितनी आत्माएं हैं ये उसी के अंश हैं। वो क्यों चाहता है लौट के आ जाएं मेरे पास, इसलिए कि उसने हर अंश को एक परीक्षा के लिए भेजा था कि मैं तुम्हें मनुष्य बनाकर जब कर्म की शक्ति दूंगा तब तुम्हें मैं याद रहूंगा कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो धर्म मैंने बनाया है उस धर्म का तुमने पालन किया है कि नहीं किया है, उस हिसाब से तुम्हें अगला जन्म मिलेगा। और अगर तुम्हें जन्म नहीं लेना है अगला, तो फिर मैं तुम्हें रास्ता भी देता हूँ, ये रास्ता मेडिटेशन का है, इस रास्ते से वापस आ जाओ। अगर संसार अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कर्म बंध बनाते जाओ, मरते जाओ, जीते जाओ, बार बार जन्म ले लो, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। एक दिन ईश्वर ने सबको एक वापस बुला लेना है। उस दिन का नाम हमारे शास्त्र प्रलय कहते हैं, कुरान कयामत कहता है, बाइबल डूम्स डे कहती है। वो एक दिन है जिस दिन उसने अपने सारे अंशों को वापस अपने अंदर खींच लेना है। लेकिन वो समय कब आएगा ये कोई नहीं जानता। वो 1000 साल को आए, 10,000 को साल को आए, 10,000 करोड़ साल को आए, किसी को नहीं पता। तो अगर तुम्हें उसी दिन जाना है जिस दिन वो खींचेगा, तो फिर माँ के पेट में आओ, चिता पे लेट के जाओ, ये तो कर्म चलता ही रहेगा, जब तक चाहो चलाते रहो। लेकिन अगर थक गए हो, अगर समझ आ गई है कि नहीं मुझे बार बार इस चक्र में नहीं पड़ना है, तो फिर बाहर का रास्ता उसी ने बताया है, उसी ने रास्ता बता दिया है। लेकिन एक बात समझ लो कि ब्रह्म के साथ संवाद या ब्रह्म के साथ मिलन इस शरीर के रहते ही हो सकता है, इसको छोड़ के नहीं। क्योंकि आत्मा को उड़ान भरने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो ये शरीर बनाता है, बाहर से नहीं मिलती। अदरवाइज भटकती हुई आत्मा को हम वांडरिंग सोल कहते हैं, वो भटक रही है। फिर उसको किसी माँ के गर्भ में जाना है, फिर उसको मृतलोक पहुँचना है, फिर अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी है और लौट के आना है। तीसरा प्रश्न है, कोई साहित्यकार बनता है, कोई लेखक बनता है, कोई एक्टर बनता है, क्या ये कुदरत निर्धारित करती है या फिर मनुष्य खुद निर्धारित करता है? दोनों। कुदरत टैलेंट देती है, जिसको कविता का टैलेंट दिया है कुदरत ने, कभी वही बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। जिसको एक्टिंग का टैलेंट दिया है एक्टर, वही बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। लेकिन केवल टैलेंट पर काम नहीं चलता। अगर कविता की शक्ति कुदरत ने दे रखी है, तो फिर कविता कैसे लिखी जाती है, शब्द कैसे उसमें बरते जाते हैं, परम बिंब और उपमाएं कैसे लाई जाती हैं, ये उसको सीखना पड़ेगा। पहले तो भाषा ही सीखनी पड़ेगी, किस भाषा में कविता लिखनी, वो भाषा आनी चाहिए। अगर भाषा ही नहीं आती है तो कविता क्या लिखोगे? और अगर भाषा आती है तो फिर भाषा की अपनी न्यूएंसेस बहुत हैं, एक एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, कौन सा शब्द कहाँ रखना है, ये मनुष्य से सीखना पड़ेगा, प्रकृति नहीं सिखाती है। वो लोग जो कीर्तन भजन करते हैं या सेवा आदि करते हैं, क्या उन्हें मोक्ष मिल जाता है? बिल्कुल नहीं मिलता।
अगर कीर्तन भजन से मोक्ष मिलता तो हिंदुस्तान में लाखों लोग मोक्ष पा चुके हो। कीर्तन भजन माध्यम है ध्यान को एकाग्र करने का। जितनी देर हम कीर्तन में हैं, भजन में हैं, उतनी देर हमारी बुद्धि भटके नहीं, केवल ईश्वर पर केंद्रित रहे, इसके लिए बना था भजन कीर्तन। अब भजन कीर्तन बन गया सामाजिक एंटरटेनमेंट का साधन। लोग अपने घरों पे जगराता करते हैं शनिवार की रात को और पार्टी बुलाते हैं गाने वालों की, और वो अच्छे खासे पैसे भी लेते हैं और सारी रात पड़ोसियों को सोने भी नहीं देते, दुखी करते हैं, और जो कुछ वो गाते हैं उससे बड़ी इंसल्ट दुर्गा भवानी की कोई कर ही नहीं सकता। मैंने एक लाउडस्पीकर पे अपने घर आती हुई आवाज़ सुनी, कोई भेंटें गा रहा था। भेंट भी क्या है कि दुर्गा को भेंट कर रहे हैं, जो कुछ हम कह रहे हैं वो भेंट बन गया ना, भेंट कर रहे हैं, और भेंट गा रहा है, माता नू स्नान करावा लेके गड़वा चांदी दा। तो मैंने कहा भाई, पहली बात तो बेटा माँ को स्नान ही नहीं कराता, स्नान तो जब कराएगा ना जब माँ को नग्न देखेगा, कराता ही नहीं। और हिंदू समाज में माँ को नहलाती हैं बहुएं उसके मरने पर, तो वो तुम चांदी के गड़वे से नहला दो, पीतल के गड़वे से नहला दो, वो तो मर चुकी, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें माता के प्रति श्रद्धा कहाँ से आई और माता को स्नान कराने की कहाँ से बात आ गई। अगर वो आदि शक्ति है, अगर वो शिव का आधा अंग है, अगर वो मातृशक्ति है, अगर वो प्रकृति बनाने वाली शक्ति है, तो तुम कौन हो उसको स्नान कराने वाले। फिर जितने फिल्मी गाने प्रचलित हैं सब पर भेंटे बन गए, तो फिल्मी गाने ही सुना दो माता को, उसका मन तो बहलेगा, काम का बीच में शब्द क्यों बिगाड़े। तो भजन कीर्तन नर्सरी की क्लास है जिसमें से ABC सीखी जाती है। जब बच्चा पहली क्लास में पहुंच जाता है फिर उसको नर्सरी की किताब नहीं चाहिए। तो भजन कीर्तन शुरू करना है कि हम अपने विचारों को कहीं केंद्रित कर सकें, ईश्वर पर केंद्रित कर सकें। जब केंद्रित होने लग जाए तो फिर टांग वांग टूट जाती है, प्लास्टर लग जाता है, फिर वो प्लास्टर उतर जाता है, फिर वो क्रंचेस दे देते हैं, बहंगियाँ दे देते हैं, बैसाखियाँ दे देते हैं चलने के लिए। फिर 15-20 दिन वो बैसाखी पर चलता है, फिर जब ठीक हो जाता है तो बैसाखी फेंक देता है। तो ये भजन कीर्तन बैसाखी है, जितनी देर चलना नहीं आता उतनी देर इसका सहारा ले लो, जब चलना आ जाए फिर ये नहीं चाहिए। फिर ये है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में अल्कोहल होती है, क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद ध्यान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि अल्कोहल तो हर वस्तु में है, सेब में भी है, आटे में भी है, गेहूं में भी है, चावल में भी है, हर चीज़ में है। प्रश्न ये है कि अल्कोहल की मात्रा कितनी है। अगर तुमने इतनी मात्रा में अल्कोहल ले ली है, वो सीधे विस्की पी ली है या उस तरह की चीज़ें खा ली हैं जो तुम्हारे शरीर को निद्रा में ला दें, उसको रोकना है। ध्यान नहीं हो सकता अगर शरीर निद्रा में है। अल्कोहल का क्या है, जो कुछ भी हम फलों में, अनाज में, सब्जियों में अल्कोहल खाते हैं वो हमारे मेदे में जाती है, स्टमक में जाती है, लेकिन जब हम विस्की पीते हैं या बियर पीते हैं या शराब की कोई भी वैरायटी पीते हैं तो वो हमारे ब्लड में जाती है, मेदे में नहीं जाती, ब्लड में जाती है, और ब्लड के साथ घूमती है, उससे नशा हो जाता है और उसी से ज़्यादा पीकर आदमी लड़खड़ाने लगता है, उसके पैर संभलते नहीं। तो वो जो ब्लड में चली गई, ब्लड के साथ घूमने लगी, उसने शरीर को तुम्हारे वश से बाहर कर दिया, और अगर तुम्हारा शरीर वश में ही नहीं है तो फिर आत्मा की यात्रा कैसे कराओगे। इसलिए ध्यान
करने से पहले शराब नहीं पीनी चाहिए, अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। अगर अल्कोहल लेनी है तो ध्यान के बाद। और ध्यान मुद्रा की सिग्निफिकेंस क्या है? ध्यान मुद्रा ये जो अभी सब ने बनाई, देखिए शरीर वन पीस है, ये दो बाजू बाहर हैं, ये वन पीस नहीं है, बाकी पूरा शरीर वन पीस है, हेड टू फुट। ऊर्जा का वृत्त बनाना है, पूरे शरीर में बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? जब तक ये सारे अंग वन पीस नहीं बनेंगे, तो वन पीस बनाने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने जो विधि निकाली वो ये थी, उंगलियों का स्पर्श, अंगूठों का स्पर्श, और जब ये मुद्रा बन गई तो वन पीस बॉडी हो गई, ये बाजू शरीर के अंदर आ गई। इसलिए ये ध्यान की मुद्रा बनाई ताकि ऊर्जा का वृत्त जो है वो पूरी तरह से शरीर के अंदर घूम सके। और किसी का कोई प्रश्न है? इसलिए शिव को बोलते हैं अर्धनारीश्वर, के प्रकृति ईश्वर जो है, निराकार ब्रह्म जो है, उसका जेंडर कोई नहीं है, वो दोनों जेंडर्स का मिश्रण है। ह्यूमन बॉडी में भी मेल और फीमेल जीन्स को अलग करना पॉसिबल नहीं है। सीमन का कोई टेस्ट करा लो, मेल और फीमेल जीन्स को अलग नहीं कर पाएगा कोई मशीन नहीं कर पाएगी। लेकिन बच्चे का जन्म जो है मेल या फीमेल उस जीन पर निर्धारित करता है जिसको माँ का गर्भ ग्रहण करता है। तो क्योंकि ब्रह्म मातृशक्ति और पितृशक्ति दोनों का मिश्रण है, इसलिए शिव का आधा अंग जो है वो मातृ दिखा दिया, आधा पितृ दिखा दिया है। ये हमने अपनी कल्पना से किया है, शिव ऐसा नहीं है कोई इंसान है और उसको देखा जा सकता है। लेकिन हमने जिस प्रकार से, हमारे ऋषियों ने जिस प्रकार से शिव के रूप को कल्पित किया, जिस प्रकार से उसको समझना चाहा, जिस प्रकार से मेल और फीमेल शक्ति का संचय और संग्रह करना चाहा, उस रूप में शिव का आकार बना लिया है। और कुछ? हाँ चलो, अब शरीर की बात चली है तो दो एक बातें और समझा देते हैं। शरीर क्या है? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो शरीर है वही ब्रह्मांड है, कॉस्मोस। इस शरीर के अंदर पूरा कॉस्मोस है, पूरा ब्रह्मांड अंदर है। और इस शरीर को प्रकृति ने 10 द्वार दिए हैं, 10 दरवाजे दिए हैं। 9 दरवाजे काम करते हैं, एक दरवाज़ा बंद रखा है ईश्वर ने। 9 दरवाजे कौन से? 2 नीचे के, 2 आँखें 4, 2 कान 6, मुंह 7 और 2 नासिकाएं 9। ये 9 तो काम करते हैं, एक यहाँ है दरवाज़ा, ये बंद रहता है। इस दरवाज़े को खोलना आसान है, लेकिन खोलने का संकल्प चाहिए। इसको कहते हैं सहस्रार। सहस्रार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस खोपड़ी के, ये जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ, इसके नीचे जो मांस है या जो नसें हैं अंदर हमारे ब्रेन की, वो ऐसी हैं, उनकी शक्ल ऐसी है जैसे कमल का बंद फूल होता है। और वो पत्तियाँ जो हैं, जो फूल बना रही हैं, उनकी संख्या 1000 है। 1000 नर्व्स मिलके, 1000 शिराएं मिलके यूं बंद हो जाती हैं,
कमल का फूल जैसी बन जाती हैं, इसलिए इसको सहस्रार कहा। सहस्र का मतलब ही संस्कृत में थाउजेंड है। सहस्र दल कमल कहा, हजार पत्तियों वाला कमल, क्योंकि उसकी शेप कमल की है। ये तब खुलता है जब कुंडलनी जागृत होती है। कुंडलनी जागृत होने से सुषुम्ना में जो लिक्विड एनर्जी है, जो सीमन है सुषुम्ना में, उस सीमन को जब पुष्प मिलता है, ऊपर की तरफ वो चढ़ता है, तो यहाँ पीछे गर्दन के एक गांठ है, सबके ही है, यहाँ एक गांठ है, वो गांठ खुल जाती है। उस गांठ में से जब वीर्य ऊपर आकर टकराता है इस सहस्रदल कमल से, तो ये अपना मुंह खोल देता है और इसके नीचे से बहता हुआ वो आकर माथे में भर जाता है। यहाँ इसको ब्रेन सीमन कहते हैं, वहाँ इसको स्पाइनल सीमन कह रहे थे सुषुम्ना में। और उसके प्रेशर से फिर ये एक सुराख खुल जाता है, जिसको मेडिकल भाषा में बर होल कहते हैं और हमारी भाषा में ब्रह्म रंध्र कहते हैं। संस्कृत में रंध्र का मतलब है सुराख, ब्रह्म को मिलाने वाला सुराख ब्रह्म रंध्र है। ये ब्रह्म रंध्र खुल जाता है और यहाँ से वो चलता हुआ सारा लिक्विड नाभि पर आके फिर इंटेस्टाइन्स में से चला जाता है कुंडलनी को, और ये एक वृत्त बन जाता है। वायवी ऊर्जा के साथ साथ एरियल सर्कल के साथ साथ एक लिक्विड का सर्कल चलने लगता है उन लोगों की बॉडी में जिनकी कुंडलनी जागृत होती है। और प्रकृति ने इन दसों दरवाज़ों की सुरक्षा के लिए दसों दरवाज़ों पर बाल दे रखे हैं। कोई द्वार ऐसा नहीं है जिस पे बाल ना दिए हों। इसलिए जिन लोगों को पता है, आज भी पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में सिर मुड़ाते हैं जब लोग, तो यहाँ से नहीं मुड़ाते, इसलिए कि अगर ये खुलेगा इसमें से आत्मा बाहर जाएगी, फिर जब लौट के आएगी तो जो एक्स्ट्रा ऊर्जा बचेगी जो इसमें नहीं समा पाएगी वो बालों में आ जाएगी। पढ़ा होगा तुमने, चाणक्य ने गुस्से में आकर अपनी चोटी खोल दी थी। क्या अर्थ है चोटी खोलने का? ऊर्जा फैला दी चारों तरफ और संकल्प कर लिया कि मैं तब बांधूंगा जब ये मेरा काम हो जाएगा, इसको राजा बना दूंगा। तो इसलिए इसको संभाल के रखते थे, ठीक है। तो दसों द्वार जो हैं उन पे। अब प्रश्न ये है कि शरीर मिला किसको है? तुम्हारी बुद्धि कहती है मुझे मिला है, मैं रमेश चंद्र बना, मैं गुरमीत सिंह बना, मैं शिप्रा बनी, मैं विजय बना, तुम बने, तुम्हें तो मिला नहीं शरीर। शरीर तो तुम्हारी आत्मा को मिला है, तुम्हारा इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारी आत्मा को प्रकृति ने शरीर दिया है। और जब तक आत्मा अवेलेबल नहीं होती है तब तक कोई औरत कंसीव नहीं कर सकती। कंसीव ही तब करेगी जब सोल अवेलेबल है। अगर सोल अवेलेबल नहीं है तो बच्चा फॉर्म ही नहीं हो सकता। तो शरीर जो माँ के पेट में बच्चे का बन रहा है वो तो आत्मा का कवच बन रहा है। माँ के गर्भ में तो आत्मा आई है और उस आत्मा को कैसे बाहर निकालना है, संसार में लाना है, उसके लिए उसको शरीर मिलता है, हाथ पांव मिलते हैं, मुंह मिलता है, नाक मिलता है, सिर मिलता है, गर्दन मिलती है, पेट मिलता है, पीठ मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो शरीर तो उसका है। और हम क्योंकि बुद्धि के पीछे लग जाते हैं, हम आत्मा की चिंता छोड़ देते हैं जिसको शरीर मिला था। किराए पे मकान लिया है लेकिन मालिक मकान भाड़ में जाए, अब खाली नहीं करेंगे, हमारा ही हो गया। यही हालत आत्मा के साथ साधारण मनुष्य कर रहा है। शरीर आत्मा को मिला है, वो समझता है मेरा है। और आत्मा जब मना करती है ये काम मत करो तो भी करता है, वो तो भी करता है।
इसलिए करता है कि उसकी बुद्धि उसको तर्क दे देती है। ठीक है, आत्मा ने मना किया कि देख तू नौकरी कर रहा है, रिश्वत मत ले, और बुद्धि ने तर्क दे दिया, कौन नहीं लेता है? उनका क्या बिगड़ गया जिन्होंने अब तक ले लिए, करोड़ों ले लिए, और राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक कौन नहीं लेता? और तर्क दे दिया इसने, और वो तर्क हमने मान लिया और रिश्वत ले ली। आत्मा ने तो रोका था, लेकिन हमने परवाह नहीं करी, क्योंकि हम ये समझने लगे कि शरीर हमें मिला है, हम का मतलब बुद्धि। देखो कई चीज़ें अदृश्य हैं, बुद्धि भी अदृश्य है। इसकी स्कैनिंग करा लो, स्कल ओपन करा लो, क्या मिलेगा नीचे? मांस मिलेगा, ब्लड मिलेगा, और नसें मिलेंगी, बोन्स मिलेंगी, सॉफ्ट बोन्स मिल जाएंगी, लेकिन बुद्धि नहीं मिलेगी। किसी सीटी स्कैन में बुद्धि नहीं आएगी। हार्ट बाहर निकाल के रख लेंगे, चीरफाड़ भी कर लेंगे, उसके सारे टेस्ट भी हो जाएंगे, लेकिन विचार कभी नहीं किसी मशीन में आता। दिल के अंदर हम सोच क्या रहे हैं, हमारा दिल चाह क्या रहा है, हमारे मन में इच्छा किस चीज़ की है, ये किसी मशीन में नहीं आती, ये अदृश्य है। उसी प्रकार प्रकृति में भी बहुत सी चीज़ें अदृश्य हैं, हम उनको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हवा को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ताप को, गर्मी को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। सर्दी को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। उसी प्रकार आत्मा को देख नहीं सकते, प्राणवायु को नहीं देख सकते। आप अपने नाक से देख लीजिए, एक नासिका छोड़ रही है, दूसरी खींच रही है, हाथ पे उसको आप फील कर लीजिए, लेकिन देख नहीं सकते। ब्रह्म ऊर्जा को भी नहीं देख सकते, कॉस्मिक एनर्जी को भी नहीं देख सकते। फील हो जाती है ना? फील तो बता ही रहे हैं, फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ब्रह्मांड में भी बहुत कुछ ऐसा है जो अदृश्य है, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है। उसी प्रकार से शरीर के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। प्रश्न केवल इतना है कि शरीर अगर आत्मा को मिला है तो इसको आत्मा के निमित्त दे दिया जाए, अपने हिसाब से ना चलाया जाए, आत्मा के हिसाब से चला लिया जाए। आत्मा बोलती है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, आत्मा बोलती है, बुलवाना आना चाहिए। आत्मा की भाषा समझ में आनी चाहिए, वो भाषा सीखनी चाहिए। अब साइंटिस्टों ने खोज कर ली कि तीसरा नेत्र जो है वो एक ग्लैंड है, यहाँ क्या पीनियल, हाँ पीनियल ग्लैंड है। तो हमें तो पहले से ही पता है, तुम आज कह रहे हो पीनियल ग्लैंड है, हमें तो पहले से ही पता है, हमने तो शिव की कल्पना ही तीसरे नेत्र के साथ की हुई है, और तीसरा नेत्र शिव खोलते हैं, हमारी तो कल्पना ही यही है। तो इसका मतलब है हमारे ऋषियों को पीनियल ग्लैंड का पता था, और ये पीनियल ग्लैंड, मैंने कहा ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो अगर ब्रह्मांड में तीसरा नेत्र है तो फिर हर शरीर में भी तीसरा नेत्र है, खोलना आना चाहिए। और खुलते ही दिखाई नहीं देगा, ये भी ध्यान रखना, देखने का भी अभ्यास करते भाई, आँख का कैटरेट वैटरेट का ऑपरेशन करते हो तो भी तो कुछ दिन लगते हैं ना विजन क्लियर होने में, उससे पहले वो हरी सी क्या ऐनक लगा देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, तो वो देखना फिर सीखती है आँख नए सिरे से ऑपरेशन के बाद, कैटरेक्ट हो या वो ग्लूकोमा हो या जो भी हो, फिर समय लेती है। उसी प्रकार तीसरा नेत्र भी खोलना अगर आ जाए, फिर देखने का अभ्यास करना होता है, और तीसरे नेत्र से वो सब कुछ देखा जा सकता है जो इन दो आँखों से नहीं देखा जा सकता, वो सब कुछ देखा जा सकता है जिसको अब तक फील करते रहे हैं, देख नहीं सके थे। तो अब चॉइस तुम्हारे पास है,
अपना शरीर मानना है तो बढ़िया मानते रहो, आत्मा का मानना है तो फिर आत्मा की सुनो, आत्मा की तरफ चलो। हाँ होता है, हाँ आत्माराम होता है। शरीर के अंदर यहाँ बिल्कुल तुम्हारे दोनों लंग्स के बीच में जो हड्डी है, ये हड्डी इस शरीर की बुनियाद है, इसके ऊपर डिवेल्प हुआ है शरीर। माँ के पेट में सबसे पहले इसका निर्माण होता है और इसी पर ये शरीर बनता है। तो अगर अस्थि संचय करते समय ये हड्डी मिल जाए, पूरी तरह न जली हो, पूरी तरह भूरी ना हो, तो फिर इस पर शरीर की आकृति देखी जा सकती है, झलक देखी जा सकती है। पूरा नहीं, पूरे फीचर्स नहीं होते, लेकिन मुंह से आँख नाक कान वो सब इस पर देखा जा सकता है। आत्माराम इसको लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि आत्मा का वास इसमें है। ये गलत है। आत्मा मनुष्य शरीर में यहाँ रहती है, बाएं भाग में। और जब साक्षात्कार हो जाता है तो आत्मा यहाँ से शिफ्ट करके ब्रह्मरंध्र के ऊपर आके रहने लगती है। यही अंतर है बुद्ध पुरुष में और साधारण पुरुष में। तो आत्मा राम उसको हड्डी को जो कहते हैं, वो शरीर की आकृति का पता तो देती है क्योंकि उस पर शरीर का निर्माण हुआ होता है, लेकिन आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। आत्मा वहाँ नहीं रहती। और गुरुजी, अभी आपने बोला ना कि आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, तो कई बार प्रैक्टिस करती हूँ, पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। कितनी देर से कर रही? कई सालों से, मतलब ऐसा लगता है कि पूरी उम्र लगा दो आ जाएगा समझ में। सालों दिनों में नहीं गिना कर। हाँ, जैसे ध्यान मुद्रा आपने ये बताई हुई है, इसके वैरायटी और क्या क्या है? एक तो कई लोग ऐसे करते हैं, कहीं कर लें, जोड़ना है। अच्छा, कहीं जैसे हाथ टूटा हो, कहीं कर लो, किसी का हाथ अगर मार खुदा ने फंसा, ऐसा हाथ ना हो, हैं फ्रैक्चर हो जाए किसी का, मतलब हाथ किसी का ना हो, तो वो यूं कर ले। अच्छा, मतलब जोड़ना है, जोड़ना है दोनों। हाईएस्ट मुद्रा जो है वो तो ये है, लेकिन अगर प्रकृति ने हाथ नहीं दे रखा है तो जोड़ तो तब भी सकते हैं, जहाँ है वहाँ कर ले। आत्मा को नहीं, चेतना को। आत्मा अपने साथ पहली बार जब मनुष्य रूप में जन्म लेती है तो चेतना उसको प्राप्त हो जाती है। उसके बाद जब तक शरीर रहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के तीसरा, चौथा, जब तक भी, तब तक न आत्मा बदलती है न चेतना बदलती है। आत्मा और चेतना बराबर चलते हैं। उस चेतना को सारे जन्म याद हैं, एक दो नहीं, पीछे के सारे याद हैं। ठीक है। और ये भी एक साइंस है, जिसने इस साइंस का अध्ययन कर लिया उसको कहते हैं त्रिकालदर्शी। जो साइंटिस्ट इसका अध्ययन करता है उसको त्रिकाल दर्शन कहते हैं। त्रिकाल दर्शन में पिछले तीन जन्म देखे जा सकते हैं। ठीक। और साधना कर लो तो जितने हैं सारे के सारे भी देखे जा सकते हैं। गुरु जी, जैसे आपने बोला हृदय में बास करती है आत्मा, हृदय में बास करती है, और लेकिन आत्मा किस शरीर का अंग भी नहीं है, लेकिन वो सारे शरीर को कैसे, सारी फैकल्टीज को कैसे कंट्रोल करती है? आत्मा तो नहीं करती कंट्रोल, सिस्टम करता है, जो प्रकृति ने सिस्टम दिया है। तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारा लेवर उसको डाइजेस्ट करा रहा है, उसमें से ब्लड बन रहा है, स्टूल बन रहा है, यूरिन, आत्मा कहाँ कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है नहीं, हाँ एग्जिस्ट कर रही है। अगर आत्मा निकल जाए फिर तो छुट्टी है, फिर शरीर समाप्त है ना। और शरीर के बारे में तो एक बड़ी यूनिवर्सल डेफिनेशन है, भस्मांत शरीरः। हर शरीर का अंत भस्म है, मिट्टी होना है, हर शरीर को मिट्टी से ही तो बना है, और ब्रह्मांड के पांच तत्वों का संग्रह होकर ये शरीर बना है। और जिस दिन आत्मा इसको छोड़ देगी, पांचों तत्व पांचों तत्वों में जाके मिल जाएंगे,
इसीलिए पंचभूता शरीर कहते हैं। पांच तत्व हैं, पांचों अपने अपने तत्व में जाकर मिल जाएंगे, फिर जब नया कोई शरीर बनेगा फिर वो पांचों तत्व अपने अपने अनुपात से माँ के पेट में आ जाएंगे। हो गए प्रश्न सब? हाँ तू भी बोल। सेल्फ की कहते एक साउंड होती है। हैं? सेल्फ की साउंड होती है। हाँ। 24 घंटे सेल से आ रही होती है, वो सुनते ही हम। सेल से कोई आवाज नहीं आती। सेल्फ से। अच्छा। ओम आ गया या कुछ ध्वनि चलती है वो सुनती नहीं। ऐसा है, ये मैं पहले समझा चुका हूँ कि जब ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और मस्तक में लिक्विड ऊर्जा जो भरी होती है वो यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप नाभि पर गिरती है, नाभि में पानी है, पानी के ऊपर जब बूंद गिरती है तो साउंड पैदा होती है। तुम कहीं भी तालाब में, नदी में, कहीं भी एक कंकर फेंको, आवाज़ देगा। तो वो जब गिरती है बूंद तो साउंड पैदा होती है, क्योंकि ये कुंडलनी जागृत होने के बाद लगातार ही बरसता है, इसलिए वो साउंड भी कंटिन्यूस चलती है। उस साउंड को विजुलाइज करने के लिए तुम कुछ भी इमेजिन कर लो, ओम इमेजिन कर लो, ओम ही चलता मिलेगा, राम इमेजिन कर लो, राम ही चलता मिलेगा, अल्लाह इमेजिन कर लो, अल्लाह ही चलता मिलेगा, जो इमेजिन कर लोगे, जो विजुलाइज करना चाहोगे वो साउंड उसी रूप में सुनाई देगी, और कुछ भी विजुलाइज नहीं करना चाहोगे तो वो आवाज़ ऐसी आवाज़ होगी जैसे कई सौ बाजे कई तरह के एक साथ बज रहे हों। इसी को अनहद नाद कहते हैं। अनहद का अर्थ क्या है? बिना बजाया हुआ, अनाहत, बिना बजाया हुआ। घड़ियाल पे हथौड़ा मारोगे तो आवाज़ देगा, घंटी को यूं करोगे तो आवाज़ देगी, शंख में फूंक मारोगे तो आवाज़ देगा। यहाँ तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो लेकिन आवाज़ पैदा हो रही है। वो इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि साउंड के पैदा होने का क्रम चल रहा है, उसको विजुलाइज करना तुम्हारे हाथ में है। कैसे विजुलाइज करते? हो गया सब? चलो जाओ अब भोजन करो जाके।